चुनाव पर लग गई है रोक। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नहीं होंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी। अदालत ने यह कार्रवाई हरियाणा कुश्ती संघ की ओर से दायर याचिका पर की। उसने राज्य से हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को चुनाव में मतदान का अधिकार देने के फैसले को चुनौती दी थी। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच शनिवार को चौथा T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोनों टीमों के बीच आखिरी दोनों मुकाबले अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। 5 मैचों के सीरीज में वेस्टइंडीज 2-1 से आगे है। एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया। कप्तानी छोड़ने वाले तमीम इकबाल की जगह अब शाकिब अल हसन को तीसरी बार वनडे की कप्तानी सौंपी गई। शाकिब 30 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप और उसके बाद भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम की कप्तानी करेंगे। दिल्ली क्रिकेट टीम में एक नया विवाद उभर सकता है। दरअसल पूर्व कप्तान नीतीश राणा और ध्रुव शोरे ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन से NOC मांगा ताकि वे दूसरे राज्यों से खेल सकें। माना जा रहा है कि नीतीश राणा कप्तानी से हटाए जाने से नाराज हैं, साथ ही उन्हें टीम में शामिल कुछ खिलाड़ियों से भी दिक्कत की खबरें हैं। हाल ही में यश धूल को टीम का कप्तान बना दिया गया था।